नमस्कार, ए एस मांझी यूट्यूब चैनल के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्कूल फिर से आए हैं। अभी जो है टाइम के लगभग 6 बज रही है और मैं घर गया था। घर जाने के बाद घर में था और ये जो आप देख सकते हैं भैया लोग मिस्त्री हैं, इन लोग काम कर रहे थे और मैं मतलब आने ही वाला था स्कूल से। जब आया मेरा वाला स्कूल इसी स्कूल में फिर आने वाला था, लेकिन जैसे ही आने के लिए तैयार हो रहा था कि पानी गिरना चालू हो गया, तो फिर उसके बाद मैं आ नहीं पाया और सोच रहा था कैसे करूं करके। फिर मेरे को याद आया कि हम लोग जो क्यारी बनाए हैं वहां पे स्कूल में, वो पानी में धुल जाएगा, ऐसे सोच के फिर पानी फिलते हुए मैं फिर रेनकोट पहन के आया। तो इनसे ये बोले कि पहले आना था आपको, लेट कर दिए, पानी गिरने के बाद आए। तो क्या कर सकते हैं, पानी कस के गिरा, ऊपर से बिजली भी कड़कड़ा रहा था तो इसीलिए लेट हो गया। वो बोले कि हम लोग इधर उधर करके बोरा वेरा का व्यवस्था किए, जुगाड़ किए और फिर उसके बाद उसको ढके हैं, ऐसे करके बोले। और हमारे स्कूल के अंदर में जो दांत पट्टी है उसको क्यों नहीं लगाए बोला मैं साइड में, मतलब दरवाजा तो बंद था, शटर लेकिन दिख रहा था। तो बोले कि सर लोग कुछ बोलेंगे, ऐसे सोच के हम लोग ताल पट्टी क्यों नहीं लगाए बोले। और बड़ा मेहनत करके जो है पानी गिर रहा था और उस स्थिति में इन लोग पूरा एक एक बोरी आसपास से जुगाड़ किए, किसी का दरवाजा को, और उसको ढके हैं। हम लोग अभी उधर जाएंगे और देखेंगे। तो फिलहाल ये आप देख सकते हैं पानी में फिल गए हैं। और कितना पानी गिरा जी? बहुत पानी गिरा। और जैसे और गिरेगा जैसे दिख रहा है कि नहीं? गिरेगा जैसे दिख रहा है। एक भैया बोल रहे हैं कि पानी गिरेगा टाइप का लग रहा है, बोल रहे हैं। एक छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है कि सुबह का झगड़ा और शाम का पानी जल्दी नहीं छोड़ता। जैसे कोई सुबह में लड़ाई झगड़ा करेंगे पति पत्नी, है कि नहीं, तो उन लोग कहीं खेत चले गए या कहीं काम में चले गए, रोपा बियासी में या खेत खार में, तो उन लोग दिन भर पुटर 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 लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो कहा जाता है कि नहीं, और जब उन लोग शाम को लड़ाई झगड़ा करेंगे तो शाम को खाएंगे पियेंगे और सो जाएंगे। तो शाम का लड़ाई झगड़ा जो है ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, लेकिन सुबह यदि लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो दिन भर घिसाता है। ठीक उसी प्रकार जो है पानी को कहा जाता है कि शाम का पानी जो है जल्दी नहीं छोड़ता है। तो ऐसा एक कहावत है कि शाम का पानी और सुबह का झगड़ा नहीं छूटता। वैसे आप देख सकते हैं पानी हमारे यहाँ इधर से पूरा पानी आ रहा है। आइए इधर देखते हैं, मेरा टैबलेट तो थोड़ा ले आना। ये इन लोग पूरा इन लोग मेहनत किए, काबिले तारीफ है, मतलब पूरा पानी में फिलते फिलते ढके हैं। हम लोग आपको दिखा रहे हैं। वैसे इनके पास स्कूल का चाबी नहीं है, मैं भी दूसरे स्कूल का हूँ और अपने यहाँ मैडम जो है छुट्टी में है, तो अपने पास भी चाबी फिलहाल नहीं है, सर लोग नहीं है। तो ये देख सकते हैं हमारे पास इतना बोरा जो है आसपास व्यवस्था किए और यहाँ पे लगाए हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं ये जो बोरी दो चार, फिर ये कहाँ का इसको क्या बोलते हैं जी, कार्टून कार्टून। और ये आप देख सकते हैं ये कहीं से दरवाजा का व्यवस्था किए हैं ये दरवाजा। फिर मेरे आने के बाद जो है इस तालपट्टी को फिर अंदर से निकाले, बच्चे का तालपट्टी है, फिर उधर झिल्ली है आप देख सकते हैं, ये सब का व्यवस्था किए हैं। पूरा बहुत पानी गिरा, इतना ओवरफ्लो पानी है आप देख सकते हैं। ये गेट के उस पार से पानी आ रहा था, पानी गिर रहा था। इस स्थिति में हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, क्या है हमारा मोबाइल फिर जाता। फिलहाल देख सकते हैं पूरा पानी भरा हुआ है ये, और ओवरफ्लो पानी उधर से आ भी रही है। तो ऐसा कुछ है यहाँ का नज़ारा, पूरा धुल गया है। कितना पानी गिरा जी? बहुत पानी गिरा। आप लोग कहाँ छुपे थे? आप तो स्कूल के किनारे। बड़ा विचित्र है। तो ये इसका कुछ तो नहीं होगा? कुछ नहीं होगा। एक दो इसको सुबह आके लेकिन निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इसको प्लास्टर, लास्ट वाला प्लास्टर किधर से किए? इधर से किए। और उधर बाद में किए हो? वो आप देख सकते हैं नीचे जो है उखड़ गया है। और इन लोग अभी भी पानी इधर से आ रहा है, इधर से, और अभी हम लोग जाने का तैयारी कर रहे हैं। एक घंटा पहले काम निपट गया था, लेकिन ये पानी के कारण जो है रुकना पड़ गया। आप देख सकते हैं इसके किनारे इतना मेहनत बर्बाद हो गया। तो ऐसा रहा आज का वीडियो। ये स्कूल से आने के बाद मैं घर में रह गया था, उसके बाद सोच रहा था कैसे करूं करके, और पानी फिलते फिलते आया, पानी बादल भी ज़्यादा गड़गड़ा रहा था। उस स्थिति में वीडियो बनाने के लिए नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आए हैं। अभी पानी जो है छूट गया है, अब घर जाने का तैयारी कर रहे हैं हम लोग। आज सुबह 3 बजे से दर्शन करने के लिए आए हैं शनिदेव का,
आप देख सकते हैं हमारे साथ पिछले दो जन हैं, उनके साथ आए। उसके बाद वहाँ पे जो है मेरे आने के बाद कुछ बोलने के लिए नहीं बना, मतलब पूजा करने में और दर्शन करने में। बता रहे थे कि पिछले बार बहुत भीड़ था, मतलब शनिवार और मंगलवार को होता है बहुत भीड़ था, लेकिन हमारे यहाँ अभी स्थानीय जो नवाखाई का त्यौहार है इसीलिए जो है थोड़ा सा भीड़ कम है। तो हम लोग वापस जा रहे हैं, मैं आपको बैकग्राउंड में जो है उसको डाल के दिखा दूंगा। तो ऐसा कुछ है नज़ारा शनिदेव का। तो इन लोगों से मेरा तो आज पहली बार है, वहाँ गया था और मेरे साथ जो आए वो लगभग तीन बार जा चुके हैं। तो वो बता रहे थे कि बहुत भीड़ रहता है करके और हजारों की संख्या में लोग दर्शनार्थी जो है आते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। तो मैं भी आया था आज और फिलहाल नवाखाई के कारण इस बार थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम था। तो फिलहाल देखते हैं अगली बार यदि भीड़ ज़्यादा रहता है तो हम लोग आएंगे और दर्शन करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। वैसे मैं सोच रहा था कि हमारे यहाँ जैसे पुजारी है उनका अनुभव कब से जो है उनका उत्पत्ति हुआ और किस प्रकार से धीरे धीरे जो है लोगों के बीच यह जो है फैलता गया, इसकी प्रसिद्धि इसके बारे में पूछेंगे करके सोच रहे थे, लेकिन वो बिजी थे, लोग जो आ रहे थे उनको कुछ कुछ बता रहे थे तो इसीलिए हम लोग नहीं पूछे और भीड़ भी कहीं कम था। तो फिलहाल मैं इसमें एएस माझी में इस वीडियो को डाल रहा हूं और सोच रहा था कि उनका जो इंटरव्यू है और इसका मतलब शुरू से लेकर अभी तक का किस प्रकार से वो उनका विकास हुआ और प्रसिद्धि जो है शनि महाराज का हुआ, ये सब को जानने के बारे में पूछेंगे सोच रहे थे, लेकिन खैर तो वो उस वीडियो में एमएस माझी यूट्यूब चैनल में डालूंगा करके सोच रहा था और डेली ब्लॉगिंग के हिसाब से जो है इसमें हम लोग वीडियो बनाए। तो फिलहाल हम लोग ये हमारे जो पिछले बार आए थे, मतलब आप कितने बार आ चुके हो? चार बार ये हमारे साथ आए थे तो ये बोल रहे हैं कि चार बार, ये ही बोले थे कि बहुत भीड़ होता है करके। तो इस बार तो बहुत भीड़ कम था, कैसे ऐसे? नवाखाई के त्यौहार मैंने नवाखाई हो रहा है इसलिए हमारे यहाँ लोकल में अभी नवाखाई का त्यौहार है, उड़ीसा से लगा हुआ है हमारा छत्तीसगढ़ जैसे देवभोग एरिया। तो अभी हम लोग नवाखाई को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो वो वाला जो वीडियो कल आएगा, फिलहाल अभी मैं जाऊंगा और इसको अपलोड करूंगा। तो भीड़ कम था करके बता रहे हैं, कितना भीड़ रहता है वैसे? भीड़ तो बहुत ज्यादा रहता है, उनका सीमा नहीं रहता है, ऐसी भीड़ रहता है। अच्छा, तो पिछला चार बार आए तो चार बार आपको नंबर सिस्टम लगता है करके बोलते हैं, तो आपको नंबर लगा क्या पिछले बार? नंबर तो दूसरा तीसरा बार में नंबर लगा। हाँ, और पहला बार में नंबर नहीं लगा। पहला बार में नंबर कैसे नहीं लगा? कितना लेट से आए कि कैसे? लेट से आए, 10 बजे यही पहुँचे, तो जैसे तैसे भी भगवान की कृपा से दर्शन कर लिए। खैर ये तो अपने क्षेत्र के हैं और हमारे सामने जो है इनसे पूछते हैं, क्योंकि आप कहाँ से हो और ये कब से है वाला, ये माने कब से मतलब शनिदेव की पूजा होती? चैत बैसाख से ज्यादा दिन नहीं हुए है? अरे इतना कम समय में इतना ज्यादा कैसे ये होगी? हैं और चैत बैसाख से कहाँ, एक साल हो गए का? एक साल नहीं से। तो ऐसे कैसे इतना ज्यादा प्रसिद्धि हुआ, कुछ आप बता पाएंगे? एक आदमी आंख देख नहीं पा रहा था। हाँ, उसी आदमी पूरा मैंने दो तीन बार आ गया तो पूरा आंख दिखने लगा, उसी दिन से भीड़ हो गया ज्यादा। अच्छा, और उसके बाद और भी कई परिक्रम, कई चल नहीं पाले आदमी लोग, कोई बुखार है, कोई देवी देवता का प्रकोप भी है, यही लाने से पूरा अच्छा हो जा रहा है। यहाँ पे किस टाइप के लोग ज्यादा आ रहे हैं? यहाँ पे मैंने देखो आके जो भी मनोकामना पूर्ण हो जाता है। हाँ, अगर स्वयं पूजा करना नहीं, जैसे किस टाइप के लोग ज्यादा आ रहे हैं, मतलब बीमार सीमार वाले ज्यादा आ रहे हैं कि अंधा लंगड़ा भैरा इस टाइप का लोग? हर आदमी पूरा बराबर है। यार सुनो ना। हाँ, पहले 12-13 बच्चर के लड़की को बाल बच्चन नहीं हुए। हाँ, वो लड़की को पूरा आराम से देते। अच्छा, ये भी हमारे झेरगाना है दूठन। हाँ, और बोना पारा ने 3, कुरला पारा ने 4-5 ठोन, पूरा गान हो जिसमें 15-16 बच्चर के लड़के लगे थे। मतलब जो भी है हम लोग जो पिछले बार आएंगे भीड़ रहेगा तब आपको लाइव दिखा पाएंगे, फिलहाल उसमें पुजारी के बारे में स्पेशल इंटरव्यू भी लेंगे और इसका प्रसिद्धि इतना कम टाइम में, भैया बोल रहे हैं कि एक साल भी नहीं हुआ है और अभी मतलब हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं, तो कुछ तो है। तो फिलहाल हम लोग दर्शन कर लिए हैं, मैं भी दर्शन किया और अभी हम लोग यहाँ पे फिलहाल ये खाली जगह में देख सकते हैं यहाँ पे रुके हैं, और मैं सोचा कि जाते जाते इसके बारे में कुछ जानकारी दे दूं और मैं भी साझा कर लूं आपसे और लोगों से भी पूछ लेते हैं, ऐसे करके सोचे और यहाँ पे रुके हैं और फिलहाल चलते हैं घर। जो है अभी आ रहे हैं, मतलब 3 बजे सुबह सुबह गए थे और 20-25 किलोमीटर दूर होता है वहाँ, तो यहाँ आए और आने के बाद ओम बरस कर रहा था। आज हमारे यहाँ नया खाई है, नया खाई के उपलक्ष में
क्या क्या जुगाड़ उगाड़ होगी इसका? हाँ, इसमें अच्छा मतलब धान और अपने यहाँ क्या करते हैं, जैसे धान और कोरिया का पत्ता में हम लोग नया खाते हैं, तो उसका जुगाड़ अभी करना है। और ये वीडियो को अभी अपलोड करूँगा, मतलब 8 बजे आता है, लेकिन नहीं आ पाएगा क्योंकि मैं गया था शनि मंदिर, और अभी आया हूँ, अपलोड करूँगा, मतलब 1-1.5 घंटा बाद ये वीडियो मिलेगा। और आज का जो नया खाई वाला हमारा त्यौहार वाला वीडियो है वो कल मिलेगा। तो शनिवार का दिन है शनिदेव महाराज, शनिवार के दिन है शनिदेव महाराज दर्शन करने गए थे, दर्शन हो गया आज। तो इसी के साथ आज का इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल किसी और एक वीडियो में। नमस्कार।